उपराष्ट्रपति और ओम बिरला दोनों आज रायपुर पहुंचे हैं संसदीय कार्यवाही में। देखिए, एक बहुत अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ में संसदीय परंपराओं को निभाया जाता है और उसी के तहत आज दो दिन का माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह जी के मार्गदर्शन में दो दिन का विधायकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम है और ये हम सब विधायकों का सौभाग्य है कि देश के मूलधन्य लोकसभा के अध्यक्ष जी, राज्यसभा के चेयरपर्सन और उपराष्ट्रपति धनगढ़ जी, हमारे केंद्र के मंत्री मनसुख मंडाविया जी और कल इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आने वाले हैं और उनके माध्यम से हमारे नए और पुराने सभी विधायकों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। पूरा प्रदेश अभी राममय है, प्रदेश ही नहीं परंतु पूरा देश इस वक्त राममय है। आज भी एक कार्यक्रम होना है रायपुर पुलिस कार्यक्रम। देखिए, प्रभु राम के बिना तो ना ये दुनिया चलती है ना ये देश चलता है और जब राम लला स्वयं पधार रहे हैं तो राम में होना ये स्वाभाविक है और ये तो प्रभु राम का ननिहाल है, मां कौशल्या की जन्मभूमि है, भांजों के जहां पर पैर धोए जाते हैं ऐसा प्रदेश है, तो क्यों ना भला वहां पर राममय हो छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के जन जन में, मन मन में, कण कण में प्रभु राम हैं पूरे देश और विश्व के साथ में, तो छत्तीसगढ़ की जनता भी पलक पांवड़े बिछाकर और उनके स्वागत के लिए तैयार है। आज पुलिस ग्राउंड में कथा राम मंदिर की 500 सालों के इतिहास के ऊपर में एक संगीतमय नृत्य नाटिका है, शाम को 6 बजे से। मैं आम जनता से, सभी लोगों से आह्वान करूंगा कि और नई पीढ़ी से कि 500 साल के इतिहास को जानने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर और प्रभु राम के जन्म स्थान पर कैसे मंदिर बना इस कथा को देखें। राहुल गांधी लगातार, कांग्रेस यूटर्न हो गई है, तो मंदिर जाने के लिए जो इनकार कर रहे थे, लेकिन अब यही कांग्रेस 22 जनवरी को सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा करने जा रहे हैं। देखिए, राम की शरण में तो हर किसी को आना पड़ेगा, वो एक चौपाई है ना, जाको प्रभु दारुण दुख देही वहाँ की मति पहले हर ले। सर, ये पिछली सरकार की घोटाले अब सामने आने लगे हैं, 300 करोड़ की दवाई खरीद करके ऐसी डंप कर दिए जहाँ जरूरत नहीं थी, मत करोड़ बेच दिया, जांच ऊपर सर होगी इसमें। लेकिन निश्चित रूप से इस वो सरकार तो सरकार थोड़ी थी, वो सरकार तो घोटालेबाज सरकार थी, उनको डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं था, अपना जेब भरने से मतलब था और धीरे धीरे वो परतें खुल रही हैं। जब वो परतें खुलेंगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का कोई बचने वाला नहीं है। उन्होंने तो छत्तीसगढ़ का सर्वनाश करने का कोशिश किया, वो तो जनता और भगवान ने ऐसा काम किया कि उनको सबक सिखा। ये भी बता दीजिए, एक सेकंड, भारत, राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, असम के सीएम को लेकर बोल रहे हैं कि सबसे भ्रष्ट सीएम है वो, और दिल्ली से आसाम नहीं चलेगा, आसाम जाके चलाना पड़ेगा इसे। अब आसाम कहां से चलेगा, क्या वहां की जनता चलाएगी, वहां के चुने हुए जनप्रतिनिधि चलाएंगे या राहुल गांधी चलाएंगे? राहुल गांधी तो अपने घर को नहीं बसा पा रहे, बाकी क्या बात हो।